Hey everyone, I hope all you people are doing good. I am with this side. So let's talk about how you can start your preparation for SSB interview, specifically for that question जहाँ पे वन टू वन बैठ के बातें होती हैं interviewing officer से. So just start from the place where you live, जहाँ पे आप रह रहे हो. For example, if you are living in Pune, so know about the things Pune क्या है क्या नहीं है, क्या से क्यों अच्छा है क्यों बेकार है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है एज अ सिटी, अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, है ना. सो एवरी प्रॉब्लम विच यू विल फाइंड आउट, चाहे वो सिटी के बारे में हो, चाहे पीपल के बारे में हो, चाहे किसी प्लेस के बारे में, उसका सॉल्यूशन भी आपको फाइंड आउट करके जाना होगा. तो पहला तो ये है कि नो अबाउट योर प्लेस, आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा है उसके बारे में जानो, है ना. सो नोइंग अबाउट योर प्लेस विल हेल्प असेसर टू नो कि आप कितने अवेयर हो, कितने ज़्यादा सोशली अवेयर हो और कैसे चीज़ों को लेके चल रहे हो, क्योंकि अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट कॉलम है जो आपके एसएसबी में टिक होता है फैक्टर टू में, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली, जिसके साथ आप रहते हो या फिर नहीं भी रहते हो, आपका वर्क प्रोफेशन होगा, वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है, या अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, मोरओवर कुछ भी, आपको अपनी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स सिबलिंग्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, इनके बारे में जानना है और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं. इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इफ़ आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वन ऑफ योर कलीग्स, वन ऑफ योर फ्रेंड्स जो आपके साथ पुराने जो आप टच में नहीं हैं, या फिर वन ऑफ योर ब्रदर सिस्टर उनसे मिलूँ तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं आप बताओ, तो वो भी आपसे पूछ सकता है. तो ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं. देन आपकी एजुकेशन पे, आपने बीकॉम क्यों किया, बीएससी क्यों किया, बीए क्यों किया और क्यों नहीं किया, बीटेक क्यों किया, क्यों नहीं किया अदर चीज़, वाई एंड वाई नॉट्स, इसी पे आपका पूरा इंटरव्यू सेक्शन रहने वाला है. तो मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में. इफ़ यू लाइक द वीडियो और अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में चाहिए तो आई कम अप विद मोर वीडियोज जहाँ पे हम डिटेल में बातें करेंगे कि हाउ यू कैन स्पेसिफिकली टारगेट योर एसएसबी इंटरव्यू, जहाँ पे आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन एसएसबी में. जो लोग जा चुके हैं वो इस बात से एग्री करेंगे और जो लोग नहीं गए हैं उनको बता रहा हूँ, ये विजडम दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वर्क ऑन दिस, है ना. नहीं, उसके बाद आपने स्पोर्ट्स क्या क्या खेले हैं, को करिकुलर कौन सा स्पोर्ट्स कब खेला था, उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन आपको, वो भी पूछा जा सकता है सिंपली. तो क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे. उसके बाद फिर आपका हॉबी इंटरेस्ट क्या है, कौन सी हॉबी है, कि क्यों ये हॉबी यही वाली क्यों है, कोई और क्यों नहीं है, है ना. तो ज़बरदस्ती वाली बात भी हो सकती है, भाई यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए था, यही हॉबी क्यों ट्राई करी. तो ऐसे प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके PIQ से मिलेंगे. तो PIQ इज़ वन ऑफ द थिंग्स जहाँ से आप अपने क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. और यही मैं करता हूँ अपने पेड बैचेस में. तो इफ़ यू वांट टू जॉइन पेड बैचेस, आप पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपकी रियली हेल्प कर पाऊँगा आपको फॉर्मिंग कराने में, कि भाई ये क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है ना. बाकी आप खुद से कर सकते हो. तो फॉर्म ऑल दिस क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली कॉन्टैक्ट मी. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन द बैचेस वो भी कर सकते हो. बैचेस आर स्टार्टिंग सून, मे बी फॉर जुलाई, एंड आई एम डेट्स जो सारी है वो सारी इन्फॉर्म आपको चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है. इसके साथ साथ आप प्रीवियस एसएसबी में फेल हुए हो उसके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्यों फेल हुए हो उसका रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है. अभी तक नहीं करा तो अभी फाइंड आउट करो, क्योंकि नेक्स्ट अटैम्प्ट में जाओगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई यू आर नॉट सेलेक्टेड इन योर प्रीवियस अटैम्प्ट, ठीक है. इसको शॉर्ट रखा है वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करा, तो फटाफट देखो एंड मूव ऑन टू द टॉपिक, स्टार्ट प्रिपेयरिंग. If you have any doubt, please ask. Till then, bye-bye, take care, thank you and have a nice day.